कमजोरों पर जुल्म ढाते, लोगों के घरों में घुसकर उनकी इज्जत और नामूस को मामा करते, मारो जायदाद पर कब्जा करते, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करते। कुरान करीम के नाजिल होने से पहले सारी दुनिया का यही हाल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को हिदायत देना चाहा और रहम करना चाहा, तो जब नूर में गुजारे कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम कुरान करीम को नाजिल किया। इस किताब इंकलाब ने लोगों की जिंदगियों में इस कदर इंकलाब बरपा किया कि वही लोग जो कुरान करीम के नाजिल होने से पहले जो बुतों के पुजारी उनके आगे सजदा करने वाले और उनसे मदद तलब करने वाले थे, उन्होंने अपने हाथों से खाने काबा के अतराफ में रखे इन 300 साल बुतों को तोड़कर फेंक दिया और इस तरह से खाने काबा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए खास कर दिया गया। آخری حال میں چلتے ہیں، وہاں ایک مثال ہوگا اس کا تعلق بنایا جائے گا تشریف رحمان صاحب۔